गुड मॉर्निंग क्लास। आज असी पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस। असी पहला पढ़ चुके हैं कि चेंजेस की होंदिया ने ते एक किन्ने तरह दी होंदिया ने, जिदे असी पढ़िया रिवर्सिबल चेंजेस ते इरिवर्सिबल चेंजेस। उस तो बाद असी पढ़िया होया है फिजिकल चेंजेस की होंदिया ने, ठीक है। हुण असी पढ़ेंगे कैमिकल चेंजेस। सो कैमिकल चेंजेस की डेफिनेशन की है? द चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांसिस आर फॉर्म्ड विच हैव प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टांसिस आर कॉल्ड कैमिकल चेंजेस। कैमिकल चेंजेस वह वाले बदलाव हैं जिड़े कि जो कोई भी चीज़ जी नवी चीज़ फॉर्म होंगी है तो वह अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। इस तरह के चेंजेस नूं असी कैमिकल चेंजेस कहते हैं। जिमें कि इन ऑल दीज चेंजेस न्यू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंबीनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। यह जिहड़े चेंजेस आ यह एक तरह के नवे मॉलिक्यूल्स तो बनते हैं जिहड़े कि किसी होर मॉलिक्यूल्स ना कंबाइन हो के बनते हैं, तो इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा बदलाव होंदा अपने पहलां दे नालों। जिवें तुहानूं मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देवां, तुहाडे मदर जिहड़े आ जदों खाना बनाउंदे आ तो उस टाइम की आ कि जिवें उह सब्जियां वगैरह कटदे आ, फिर उह सब्जियां नूं फ्राई करदे आ। फ्राई करन तों बाद जदों वैजीटेबल तैयार हुंदी आ तां कि असीं उस वैजीटेबल नूं बनी हुई जिहड़ी वैजीटेबल आ उहनूं उस रॉ मटीरियल 'च कन्वर्ट कर सकदे हाँ। इहदा आंसर हैगा नहीं कर सकदे हाँ। तो इस तरह दे चेंजेस नूं असीं कैमिकल चेंजेस कहिंदे हाँ। मतलब एक बारी जो चीज़ बन गई है उस तो बाद असी उसनू दोबारा उस प्रोसैस विच जां फॉर्म दे विच नहीं लिया सकते। मोस्ट ऑफ द कैमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस एज द न्यू सबस्टांसिस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द ओरिजिनल सबस्टांसिस। जिहड़े कैमिकल चेंजेस आ ज़्यादातर असी इसनू इरिवर्सिबल चेंजेस कहिंदे हाँ। क्यों? क्योंकि इन्हों असी दोबारा फिर उस फॉर्म के नहीं लिया सकते। जिमें हुण असी पढ़ांगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द कैमिकल चेंजेस, मतलब कैमिकल चेंजेस दियां कुछ उदाहरण। पहली एग्जाम्पल हैगी है कुकिंग ऑफ फूड, खाना दा बनना जां भोजन नूं पकाउणा। कुकिंग वैजीटेबल्स राइस पल्सिस एंड मेकिंग रोटीज ब्रैड फ्रॉम वीट फ्लोर आर ऑल कैमिकल चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांसिस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट न्यू प्रॉपर्टीज। जिदा असी घर की आ सब्जियां बनाते हैं, ठीक है, चावल बनाते हैं, ठीक है, दाल बनाते हैं, जां फिर असी रोटियां बनाते हैं, ठीक है। साडे मदर की करते हैं फ्लोर का आटा, ठीक है, मतलब वीट का फ्लोर लेंदे आ, उहदे च पानी वगैरह पा के उहनूं चंगी तरह गुनते हैं। गुनन तो बाद उहदे तों की आ रोटियां बनाते हैं कि असी उन्हां रोटियां नूं दोबारा फिर उस फ्लोर च कन्वर्ट कर सकते हैं ते नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उहदे विच चेंजेस आ गए ने, मतलब उहदे जिहड़ी आ कैमिकल चेंजेस आ गई वा। इट मीनस जिवें सब्जियां वगैरह जिहड़ी बनाते हैं इहनूं दोबारा असी फिर इस दी ओरिजिनल फॉर्म च नहीं लिया सकते। इस तरह दीआं चेंजेस नूं असी कैमिकल चेंजेस कहिंदे हाँ। वंस यू बॉयल एन एग यू कैन नॉट रिवर्ट इट बैक इन टू द स्टेजिस। एक बार जो तुसी की आ एग नू बॉयल करते हो उस तो बाद उसनू तुसी उदे रॉ मटीरियल दे विच नहीं लिया सकते। इट इज़ क्लीयर। नैक्सट सैकेंड टॉपिक इज बर्निंग ऑफ वुड पेपर, ठीक है। जिवें असी कागज़ नू जां लकड़ नू बालदे हाँ यह भी की है एक कैमिकल चेंज आ। बर्निंग ऑफ पेपर वुड एंड अदर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल कैरोसिन एटसेट्रा आर ऑल कैमिकल चेंजेस एज न्यू सबस्टांसिस आर फॉर्म्ड। कागज़ का बलना, लकड़ का बलना, ज कोई भी फ्यूल जिमें पेट्रोल डीजल, ये सारे की है कैमिकल चेंज है, क्योंकि इन्हों तो एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हुंदा है। जिमें तुसी अपनी डेली लाइफ में ही देखते हो जो असी कागज़ नू जां लकड़ नू बालदे हाँ उहदे तो की आ बाद विच ओह एशिज़ दे विच कन्वर्ट हो जाता है, तो उस एशिज़ नू असी दोबारा वुड दे विच कन्वर्ट नहीं कर सकते। नैक्सट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की हुंदा है? जंगाल दा लगना, लोहे दे उपर जंगाल दा लगना। मीनस जदों की आ असी आयरन नू बाहर खुला रख दिए, ठीक है, तो ये की आ ऑक्सीजन ते पानी दी रिएक्शन हो जाए, उस तो बाद ये उपर ब्राउन कलर की जिहड़ी आ कवरिंग हो जाती है जिन्हों असी
कह दें रस्ट। तो इस सारे प्रोसैस में असं रस्टिंग कह दें। यह सारा प्रोसैस की है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जिहड़ा वा लोहे नूं चंगी तरह खराब कर दिंदा है ते असीं लोहे नूं दोबारा यूज नहीं कर सकते। इस करके इस नूं असीं इररिवर्सिबल कैमिकल प्रोसैस कहिंदे आ। रस्टिंग ईट्स अप आयरन एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो इट इज एन अ रिवर्सिबल कैमिकल प्रोसैस। हुण तुहानूं एक होर मैं एग्जाम्पल दूंगी, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कॉटेज चीज। जदों कि असीं दुध तों पनीर बनाउंदे आ, ये भी की है एक कैमिकल प्रोसैस आ। घर के मदरस की करते हैं, मिलक लैके तो की है लैमन का जूस पा देंगे, जिदे तो की है वह पनीर तैयार करते हैं। तो की हूँ असी उस पनीर तो दोबारा मिलक बना सकते हैं? सो यदा आंसर की होएगा? नहीं। सो इस तरह की चेंजिज़ में असी की कहेंगे? इररिवर्सिबल कैमिकल चेंजिज। हूँ असी पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी एक तरह दी चेंजिज़ आ। एक्सपेंशन का मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना या उसके साइज़ दे विच थोड़ी इनक्रीजमेंट हो जानी, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई भी चीज़ जी सुंगड़ जाती है। चेंजिज कैन बी ब्राउट अबाउट बाय हीटिंग और कूलिंग सर्टेन सबस्टांसिज। किसी भी चीज़ को गर्म करते ठंडे करते उन्होंने जोड़ा भी बदलाव आता है उसनों असी की आ चेंजिज कहते हैं। मैटल्स लाइक आयरन गोल्ड एंड सिल्वर सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्ड इन टू डिफरेंट शेप एंड साइज। जिमें मैटल्स आ, ठीक है, आयरन का हो गया ज गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, जो एसी इन्हों की हीट करते हैं ये सारे की है सॉफ्ट हो जाते हैं, पर जो बाद ठंडे होंगे उतो बाद दोबारा फिर अपनी उस ही शेप दे विच आ जाते हैं। यदा मतलब एक्सपेंशन ते कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प के ना असी किसी भी मैटर नूं किसी भी फॉर्म दे विच डिजायरेबल फॉर्म दे विच जां शेप ते साइज दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो असी नूं कन्वर्ट कर लिया, जो ये ठंडे हो जाते हैं दोबारा फिर असी इस नूं ओरिजिनल साइज दे विच लैके आ सकते हैं। इस तरह की चेंजिज नूं असी रिवर्सिबल चेंजिज कहांगे। सो स्टूडेंट, हुण तक असी पढ़िया कैमिकल चेंजिज। कैमिकल चेंजिज जिहदे विच की आ कोई भी नवीं चीज़ की फॉर्मेशन हुंदी आ ते वह नवीं चीज़ जिहड़ी आ पहलां नालों बिल्कुल ही डिफरेंट होएगी, उहदियां सारियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां वा बिल्कुल ही पहलां नालों डिफरेंट होणगे। ठीक है, ये अंडर असी एग्जाम्पल्स पढ़े आ जिहदे विच असी कुकिंग ऑफ फूड भोजन दा पकाउणा, बर्निंग ऑफ वुड पेपर कागज़ जां लकड़ नूं जदों असी बालदे हाँ उस टाइम की आ एशिज प्रोड्यूस हुंदे आ ते उहनां एशिज तों असी दोबारा फिर वुड जां पेपर नहीं तैयार कर सकते। दैन असी पढ़िया रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे की है एग्जाम्पल ऑफ कैमिकल चेंजिज। दैन असी पढ़िया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मीनस किसी चीज़ का खिलर जाना ते कॉन्ट्रैक्शन मतलब सुंगड़ जाना। ये तो असी की है एक्सपेंशन ते कॉन्ट्रैक्शन की मदद के नाल असी किसी भी चीज़ को अपने डिजायरेबल शेप साइज़ अकॉर्डिंग उन्हों कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।